नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जिलीत ऑफिशियल में। दोस्तों, भारतीय रेल की तरफ से एक और खबर आ रही है जिसमें कहा गया है कुछ गाड़ियों के बारे में, कुछ गाड़ियों के बंद होने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो भारत में लंबी दूरी तय करने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें जो है 1768 ट्रेनें चल रही थी, जो कि अब सिर्फ 1005 यानी कि लगभग आधे के करीब हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे भारतीय रेल का कहना है और हम सब जानते भी है कि लोग जो है अब सफ़र करना नहीं चाह रहे हैं। रेलवे के हिसाब से लगभग 40% गाड़ियों के अंदर 40% लोग भी नहीं आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है, नई दिल्ली, यहाँ जो है आप मतलब ऐसे ही नाम से ही आपको पता चल रहा है, नई दिल्ली का नाम सुनते ही मतलब भीड़ भाड़ वाला जो रेलवे स्टेशन होता है वो इमेज एक मन में बनता है। लेकिन आजकल अगर आप देखो तो कुछ इस तरह, इस कदर सन्नाटा छाया हुआ है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो ऐसे में आप जरा सोचिए गाड़ियों का क्या हाल होगा। जाहिर सी बात है, गाड़ियों में पैसेंजर यानी कि लोग, यात्री जो है सफ़र नहीं कर रहे हैं। और लोगों का यात्रा ना करना कोरोना से बचने का सही रास्ता भी है। मैं भी आपसे बार बार कहता हूँ कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलो। तो ऐसे में लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यात्रियों पर, जो कि रेलवे स्टेशनों पर, जो कि इंडियन रेल पर जिनका रोजी रोटी चलता था, यानी कि वो लोग जो स्टेशन पर या फिर गाड़ियों के अंदर में बेंडिंग का काम करते थे, चीज़ें बेच कर अपना गुजारा करते थे, तो वो उनकी जो है हालात इस वक्त काफ़ी गंभीर समस्या है उनकी। तो ऐसे में मुझे लगता है भारतीय रेल को या फिर भारत सरकार को उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और सिर्फ उनके बारे में नहीं, हर वो इंसान जो इस लॉकडाउन की वजह से, जो कोरोना की वजह से आज तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है, कुछ नहीं, कम से कम आपको उनकी भूख का ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं अपनी भावनाओं में खोते हुए टॉपिक से ज़रा भटक चुका हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले थे कुछ गाड़ियों के बारे में जिनको भारतीय रेल ने बंद कर दिया है। ये है वो ट्वीट नॉर्थन रेलवे का, जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ साफ साफ लिखा हुआ है राजधानी एक्सप्रेस, जो ये आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ जो राजधानी गाड़ियाँ हैं, इनको बंद कर दिया गया है यात्रियों की कमी की वजह से। और एक छोटी सी बग के बारे में आपको बता दूं, आप लोगों ने मुझसे कई बार ये कहा है और मैंने खुद भी देखा है कि IRCTC में बुक किया हुआ टिकट प्रिंट नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर विस्तार से आपको बताऊं तो IRCTC की रेल कनेक्ट हो, स्मार्टफोन में ब्राउजर के अंदर हो, या तो फिर PC के अंदर आप जब लॉग इन करते हो, अपनी ID बुक्ड टिकट हिस्ट्री में जाते हो और अपनी टिकट को प्रिंट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे एक एरर आता है और ये टिकट प्रिंट नहीं होता है। तो दोस्तों, ये रेलवे की कुछ बग या गड़बड़ी आप कह सकते हो, जो कि बहुत जल्दी रेलवे के हिसाब से ये ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपनी टिकट को बुक कर रखी है और आप चाहते हो आपको यात्रा करनी है, तो कैसे आप करोगे? तो देखिए, उसका कोई जरूरत नहीं। आप अपनी बुक टिकट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टिकट को वहाँ ओपन करके उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मोबाइल में आए हुए मैसेज को आप दिखा सकते हो, ईमेल जो आपके पास आया उसको आप दिखा सकते हो, बहुत कुछ रास्ते हैं आपके पास, तो कुछ भी आप करके ट्रेवल कर सकते हो। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, प्रिंट आउट का अलग कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों से दूरी बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय।